तो नथिंग टू वे के इंटरनेट पर आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी। ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली क्योंकि आप लोग जो वीडियोस देखते हैं वो रिव्यूअर्स यूनिट होती है जो ब्रांड भेजती है। हमारे पास जो यूनिट आ रखी है ये रिटेलर यूनिट है जो कि मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदी है। अब आप ये बोलोगे कि ऑनलाइन सेल तो कल ही हुई, तो ऑनलाइन सेल में कल अवेलेबल था बट ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल हो चुका और मैंने इसे खरीदा है वसुंधरा इन्फोकॉम से। तो अगर आप भी ऑफलाइन मार्केट में चेकआउट करना है तो आप भी देख सकते, डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर, ये यूनिट की बात करने से पहले एक थोड़ा सा प्राइस सेगमेंट को लेकर बात करना चाह रहा हूं क्योंकि काफी सारे क्रिएटर्स ने वीडियोज में ये मेंशन करा कि अंडर 20,000 आपको जो है नथिंग टू है देखने को मिलता है। हाँ, क्योंकि जब लॉन्च जो इसका था प्राइसिंग वो 20,000 रुपए मेंशन कर रखा था बट उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि ये सिर्फ इनिशियल पीरियड के लिए था और जो आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही थी ब्रांड ऑन HDFC कार्ड लॉन्च के टाइम पे था। बाकी अगर फोन की बात करें तो ये आपको 25,000 के अंदर देखने को मिलता है। ये अंडर 20,000 का फोन नहीं है, तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में डालकर ही फोन खरीदने जाना। अब अगर बातचीत करें फोन को लेके यहाँ पर, तो मेरे पास जो वेरियंट है ये है 8/256 GB वाला, इसमें 12/256 GB वाला वेरिएंट भी आपको अवेलेबल हो जाता है। तो कर लेते हैं अपन यहाँ पे डब्बे की अनबॉक्सिंग। तो रेडियल यूनिट भी आपको नॉर्मल देखने को मिलती है और इसको जैसे आप खोलेंगे तो उनके साथ में आपको मिल जाता है यहाँ पर एक बुकलेट जिसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक सिम इजेक्टर टूल आपको मिल जाएगा, एक चार्जिंग केबल दे रखी है उन्होंने टाइप सी वाली जो कि क्वालिटी के मामले में काफी अच्छी है। पर दिक्कत यही है कि इस फोन के साथ आपको चार्जर नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे तो फोन आपका और थोड़ा महंगा हो गया। तो इसके बाद मतलब आपको 1500-1600 रुपए का एडाप्टर भी खरीदना पड़ेगा, तो ये लगभग 26,000 का फोन हो गया। खैर, फोन है भाई, बात करेंगे ब्रांड के अपने अपने फंडे हैं। वैसे फोन के बारे में बातचीत करूं तो फोन नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीमियम लुक्स हैं, डिजाइन भी अच्छी दे रखी है इन्होंने और ये जो पीछे इन्होंने आज भी रोबोटिक वाला फील देने के लिए इन्होंने जो रोबोटिक आईज का फंक्शन दिया है वो कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है। ग्लिफ इंटरफेरेंस भी आपको इसमें इंक्लूड किया है। नथिंग का ये ट्रेडमार्क है, वो अपने फोन में ये चीज लाते हैं और इसी से वो पॉपुलर भी हुआ है। तो यहाँ पर भी उन्होंने दे रखा है बट यहाँ पे क्वांटिटी कम कर दी इन्होंने, यहाँ पे सिर्फ 3 ही ग्लिफ इंटरफेरेंस दे रखे हैं जो कि बड़ा अच्छा लगते हैं और उसमें काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन वगैरह प्रोवाइड करे जिसके बारे में फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो बॉडी है मेन आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है, प्लास्टिक की फ्रेम है, प्लास्टिक का बैक है। फ्रंट में इन्होंने कौन सा ग्लास लगा रखा है इसके बारे में तो मेंशन नहीं कर रखा बट कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा भैया अच्छा वाला ग्लास गार्ड लगा लेना ताकि आपका फोन सुरक्षित रहे। वैसे अगर डिजाइन सेगमेंट को लेकर बात करूं तो मुझे डिजाइन अच्छा लगा। कहीं ना कहीं मैं फोन एप्पल का फोन यूज करता हूँ, कर्व्स वगैरह वैसे हैं थोड़े से, मतलब जो प्रीवियस जनरेशन का था आईफोन 15 में तो इन्होंने चेंजेस ला दिए थे बट 14 वगैरह अगर आप यूज कर रहे हैं तो वैसे ही कर्व और वैसा ही फील आपके हाथ में देता है। तो फील हैंड तो फोन ना काफी प्रॉमिसिंग लगेगा आपको और जो डिजाइन वगैरह है वो भी काफी इंप्रेसिव है। बैक में आपको कैमरा दे रखे हैं, ट्रांसपेरेंट वाला ये जो है आपको फील देता है। प्लस ये वाला जो कलर है ब्लैक वाला, इसमें आपको दो और कलर देखने को मिलते हैं, एक है मिल्की व्हाइट और एक व्हाइट। मिल्की व्हाइट और व्हाइट वाला कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, उसमें हल्का फुल्का फर्क है, वो आप इंटरनेट पर देख लेना। बाकी अगर फ्रंट में बात करते तो यहाँ पर फ्रंट में आपको 6.7 इंच का इन्होंने फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दे रखा है और नो डाउट डिस्प्ले काफी बढ़िया लगा। मतलब मैंने कंटेंट भी देखा इस पे और HDR कंटेंट भी चल रहा था इसमें, तो क्वालिटी के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं, कलर्स वगैरह काफी एक्यूरेट लगे मुझे। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो आप गेम वगैरह भी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इसकी ब्राइटनेस, 1300 nits की ब्राइटनेस है। आउटडोर सिनेरियो में आपको बढ़िया इंपैक्ट देती है क्योंकि काफी सारे फोन जो ब्राइटनेस के मामले में कम रहते हैं तो वो आउटडोर में दिक्कत देते हैं, ये फोन आपके लिए इनफ हो जाएगा। हाँ, बट जैसे हम लोग बिल्कुल एकदम हार्श सनलाइट की बात करते हैं तो वहां थोड़ी बहुत दिक्कत है आपको महसूस हो सकती है, आपको फिर हल्का फुल्का शेड लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली फोन मैं यूज करते आ रहा हूँ, हमारा आईफोन भी इवन सफर करता है थोड़ी सी ब्राइटनेस को लेकर। अभी S24 Ultra मैंने इस बार यूज किया था, उसकी ब्राइटनेस बहुत जबरदस्त थी आउटडोर सिनेरियो के हिसाब से भी। तो एक्सट्रीम जब हार्श लाइट गिर रही है तो फिर थोड़ा सा फोन स्ट्रगल कर जाता है। बाकी डिस्प्ले की परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, 4K HDR+ कंटेंट्स में आराम से प्ले कर सकते हो, काफी अच्छा भी लगता है। और मैंने आईफोन से भी इसको कंपेयर करके देखा 15 प्रो मैक्स से तो मुझे अच्छा ही लगा डिस्प्ले इसका। सारी फोन में इन्होंने आपको इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है जो यहाँ पे बॉटम में है और काफी फास्ट लगा मुझे, ऐसा मतलब दिक्कत नहीं है और एकदम बहुत सुपर फास्ट तो नहीं बोलूंगा बट स्टिल आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है। फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दे रखा है आपको, यानी कि वो भी अवेलेबल कर रखा है। कैमरा से ही चलता है वो, यहाँ पे सेंसर वगैरह नहीं दे रखे आईफोन जैसे डेडिकेटेड। बाकी आप पासवर्ड लगा सकते हो, पिन लगा सकते हो, सिक्योरिटी पर्पज के जो फीचर्स हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पर दे रखे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो इसके बटन है भैया वो इन्होंने मेटल के यूज कर रखे हैं, बाकी बॉडी इन्होंने प्लास्टिक की यूज कर रखी है। फिजिकल ओवरव्यू की बात भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो बॉटम में आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा, टाइप सी का पोर्ट दे रखा है, आपको सिम ट्रे भी दे रखी है, एक नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन आपको टॉप पे देखने को मिलेगा, नीचे भी दे रखा है इन्होंने। राइट साइड में आपको वॉल्यूम कंट्रोल बटन मिल जाएंगे और लेफ्ट साइड में आपका पावर ऑन ऑफ बटन दे रखा है इन्होंने। तो नो डाउट फोन काफी इंप्रेसिव लगा। बट कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज को लेकर मार्केट किया जा रहा है वो है Dimensity 7200 Pro। अच्छा, अभी हम लोगों ने रिसेंटली Redmi Note 13 Pro Plus भी किया था, उसमें उन्होंने Dimensity 7200 Ultra का यूज किया था। ये टर्म जो आगे आप देख रहे हो ना अल्ट्रा और प्रो, ये थोड़ा सा मिसलीड करने के लिए टेक्निकली है, अंदर कुछ खास मेजर चेंज नहीं है,
थोड़ा बहुत ट्विक होता है, मतलब ब्रांड अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कराती है ताकि परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट मिल सके और लोगों के दिमाग में एक इंपैक्ट डाल सके कि भैया प्रो अल्ट्रा थोड़ा डिफर कर जाता है 7200 से। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर आप अगर देखेंगे तो कंपेरेटिवली जब एंथोदो बेंचमार्क की बात करता हूँ काफी सिमिलर ही है, बट परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है क्योंकि प्रोसेसर बहुत बढ़िया है और इस प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ 25,000 में ये प्रोसेसर काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और मोस्ट ऑफ द ब्रांड इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर आप गेमिंग करना पसंद करते हैं तो ये चिपसेट इनफ है, आप यहाँ पे अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। बीजीएमआई हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया, स्मूथ पे रन कर रहा था यहाँ पर और सेटिंग्स आप यहाँ पे हाईएस्ट सेटिंग्स में एंजॉय कर सकते हैं। एसडीआर भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा सा वहाँ पे आपके फ्रेम्स कम हो जाते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा रहेगा, बाकी यहाँ इनफ अच्छे से गेमिंग वगैरह आप कर सकते हो। डे टू डे टास्क की बात करूँ तो वो तो आपके अच्छे से यहाँ पे हो ही जाती है क्योंकि इसका जो ओएस है वो नथिंग का ओएस 2.5 है जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्लीन एकदम फील देता है ये। और यहाँ पे आपको जब सेटिंग जब आप ऑन करेंगे ना फोन तो आपको दोनों ऑप्शन पूछता है, जब एक वो नथिंग का बिल्कुल एकदम जो टेक्स्ट वगैरह है जो उसके आइकन वगैरह है वैसे अगर आपको चाहना है तो वो भी कर सकते हैं। बाकी मुझे तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं पिक्सल वाली फील दे रहा है जो मैंने इसमें सेकंड गूगल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो कस्टम के ऑप्शन भी बहुत सारे दे रखे हैं, आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, आइकन्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो जो एक कस्टमाइज ऑप्शन चाहिए होते हैं हम हमारे हिसाब से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और नो डाउट काफी अच्छा फील देता है, क्लीन है, कोई फालतू के इसमें जो है ब्लॉटवेयर्स भी इन्होंने इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं। गूगल के जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल देखने को मिलती है, बाकी कोई भी थर्ड पार्टी ऐसी फालतू एप्लीकेशन आपको यहाँ नहीं मिलती, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात हो जाती है। वहीं आपके चाइनीज ब्रांड वाले फोन आते हैं ना रेडमी वीवो ओप्पो, इन सब में ना बहुत फालतू की एप्लीकेशन में भरी रखी रहती है जो किसी काम की नहीं होती है, मतलब दे रखे होते बस। खैर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हमारे साथ कम्युनिटी पोस्ट पे भी कल किया भाई ने कि कैमरा परफॉर्मेंस कैसे, क्योंकि काफी क्लैरिटी नहीं आ पाई कैमरा को लेके बहुत सारे रिव्यूअर्स के रिव्यू देखने के बाद, तो भाई के सवाल को हम लोग पूरी डिटेल में बातचीत कर लेते कि यहाँ पे क्या क्या परफॉर्मेंस है कैमरा में। तो 50 megapixel के आपको दो सेंसर पीछे देखने को मिलते हैं, एक जो है आपका प्राइमरी सेंसर है जिससे आप फोटोज वगैरह क्लिक करने वाले, और एक सेंसर जो है आपका अल्ट्रा वाइड सेंसर है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस टर्म्स की जब बात करूँ तो ये OIS और EIS दोनों सपोर्ट करता है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन, मतलब अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और रही बात पिक्चर क्वालिटी को लेके तो मुझे फोन की फोटोज काफी अच्छी लगी, क्योंकि देखो 25,000 के अंदर जो फोन आते हैं मैंने उसमें वीवो T2 Pro भी ट्राई करके देखा, रेडमी का नोट 13 Pro Plus ट्राई करके हम लोगों ने देखा, तो वो कहीं ना कहीं कैमरा टर्म्स में इससे तो मुझे कमी नजर आ रहे थे परफॉर्मेंस को जब मैंने इसको टेस्ट ऑन किया, क्योंकि जो पिक्चर क्वालिटी है डिटेलिंग जो है वो काफी अच्छी नजर आ जाती है। प्लस यहाँ पे आपको एसडीआर का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, फिल्टर वगैरह का ऑप्शन है, और कहीं ना कहीं इसके इंटरफेरेंस को देखोगे ना तो आपको एप्पल वाला टच देखने को मिलता है इसके इंटरफेरेंस में। वैसे ही कुछ इन्होंने लुक यहां पर दे रखा है, वीडियो फोटो पोर्ट्रेट, बस उनके आइकन्स के और जो टेक्स्ट है बस वो बिल्कुल आपको नथिंग वाला मिलेगा, बाकी पूरा का पूरा इन्होंने आईफोन जैसा इंटरफेरेंस कॉपी करने की कोशिश करी, बट नो डाउट पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, पोर्ट्रेट्स वगैरह काफी अच्छे क्लिक कर रहता है, डे लाइट्स में भी अच्छे फोटोज यहां पर आ जाते हैं। हाँ लो लाइट की बात करूं तो वहां परफॉर्मेंस डिसेंट है, वहां आप ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। बाकी वीडियोग्राफी टर्म्स में अगर मैं बात करता हूं तो ये 4K सपोर्ट करता है, 4K 30 फ्रेम पर ही सपोर्ट करता है, आपको यहां पे 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलेगा जो कि बैक कैमरा की बात कर रहा हूं मैं, और जो पीछे जो 4K 30 FPS पे जो रिकॉर्डिंग है वो कुछ इस तरीके निकल कर आती है। तो अभी जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो वो 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रही है और इस तरीके से थोड़ा सा बैलेंस आउट करता है, हार्श सनलाइट में अगर आप रिकॉर्ड करोगे, इंडोर एनवायरनमेंट में करोगे, बाहर आके करोगे, माइक की भी परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से आने वाली है। अब वहीं अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पे फ्रंट में 32 megapixel के उन्होंने सेंसर दे रखा है, एंड नो डाउट सेल्फी कैमरा काफी अच्छा है, क्वालिटी टर्म्स में नहीं पिक्चर्स वगैरह काफी अमेजिंग निकल कर आ रही हैं, और मैंने यहाँ पे आपके सामने अटैच भी कर रखा है, खुद देख सकते हो कि पिक्चर कितनी अच्छी है। तो कैमरा टर्म्स में तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, बट हाँ यहाँ पे वीडियोग्राफी की बात करूँ तो फ्रंट कैमरा से आप अगर ब्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर आप सिर्फ 1080p पे ही रिकॉर्ड कर पाएंगे, इसमें 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अभी जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है और थोड़ा सा क्रॉप सेंसर का यहाँ पे उन्होंने यूज कर रखा है, मतलब एक फ्रंट सेल्फी कैमरा के थोड़ा सा वाइड होना चाहिए था बट ये वाइड नहीं है, बट क्वालिटी अच्छी आ रही है और कलर्स वगैरह और लाइटिंग को कितना बैलेंस कर रहा है वो आपको दिख रहा होगा। कैसा लगा कमेंट में क्या बता देना। बाकी स्लोमो है, पोर्ट्रेट्स हैं, और भी आपको जो फीचर्स चाहिए होते हैं कैमरा में वो सभी आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो आई कैन से कैमरा टर्म्स में परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। बट एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि कैमरा में डेडिकेटेड आपको यहाँ पे फ्लैश तो प्रोवाइड कर ही रखा है, बट जो ग्लिफ इंटरफेरेंस है उसको भी आप एज अ फ्लैश यूज कर सकते हैं, तो लो लाइट में जब आप फोटो क्लिक करना चाह रहे हैं तो दोनों मतलब कि डबल द लाइटिंग हो जाती है, तो थोड़ा सा उसका इंपैक्ट नजर आ जाता है कि नॉर्मल फोटो में, और जो ग्लिफ इंटरफेरेंस का फोटो खींच रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको बेहतर ही नजर आएगा। तो ये फंक्शन भी मुझे पर्सनली
अच्छा लगा। वैसे ये 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जहां पे 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट मिल जाता है, बट दिक्कत सिर्फ यही है कि इसमें आपको चार्जर नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। सेकंड चीज, यहां पे जो ब्रांड है वो आपको 3 साल का जो है अपडेट प्रोवाइड कर रही है, OS का अपडेट दे रही है, प्लस आपको 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी यहां पर देखने को मिलेगा। वाटर रेटिंग की बात करूं तो IP54 रेटेड है, तो स्प्लैश रेजिस्टेंट है, मतलब ये वाटर प्रूफ नहीं मिलता आपको, हल्के फुल्के छोटे लग रहे हैं तो ये सर्वाइव कर जाएगा, पानी में डुबोने की कोशिश मत करना। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस फोन के साथ में, बट एक ही चीज कहना चाहता हूं इस फोन को लेके, जो ग्लिफ इंटरफेरेंस वाली चीज है वो मेरे हिसाब से हर किसी को इतना इंप्रेस नहीं करेगा। दे रखा है फीचर्स में बहुत सारे, आपको अनाउंसमेंट भी दे रखे हैं, आप कस्टमाइजेशन भी दे सकते हैं, खुद का म्यूजिक वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि रिंगटोन वगैरह बना सकते हैं। कहीं ना कहीं वो नथिंग का सेलिंग फीचर है, जहां पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन और चीजें देखने को मिल जाती हैं, बट मुझे उतना ये पर्सनल इंटरेस्टिंग नहीं लगता। मतलब ठीक है, ये चीज दे रखी है, कहीं ना कहीं यूनिक बनाता है फोन को, और कहीं ना कहीं लोग इस चीज को देख के खरीदते भी हैं। वैसे अभी रिसेंटली ना IQ का Z9 भी लॉन्च हुआ, और करेंटली उसकी जो प्राइसिंग है वो अंडर 20,000 में रखी है, यानी कि 20,000 उसकी प्राइसिंग है, प्लस अभी जो लॉन्च ऑफर है, यानी कि कल शायद, अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो अभी तो लाइव हो चुका है, सेल आ चुकी है, सेकंड सेल जो उनकी है उसमें आपको शायद ये 17,000 के अराउंड भी मिल जाता। तो फोन में आपको सेम 7200 प्रोसेसर देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस टर्म्स में कैमरा वगैरह भी काफी अच्छे देखा, क्योंकि सोनी का उन्होंने सेंसर वहाँ पे यूज कर दिया है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो अच्छी बात है कि आपको 44 वाट का चार्जर जो है डब्बे के अंदर ही देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वैल्यू मनी फोन है। तो अब आपके ऊपर ही है कि आपको 25,000 में नथिंग फोन 2A खरीदना है या सेम स्पेक्स और सेम चीजों के साथ में आप IQ Z9 पे जा रहे हैं। वो मेरा ओपिनियन था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वैसे आपको क्या लगा वो आप कमेंट करके मुझे बता देना। बाकी इस इन्फॉर्मेशन के लिए आप भाई को प्यार दे सकते हैं, तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और दोस्तों के शेयर करना अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, और हाँ नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीडून रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।